अब सब खोजी अंकल की लैब की तरफ आगे बढ़ो, इनकी तरह धीरे धीरे चलो। ओहो चाचू आपने तरबूज उल्टा पहना है, और हाँ ओवर एक्टिंग मत करो पकड़े जाओगे। बावड़ी पूछ भैंस की पूछ, तेरी इतनी हिम्मत, मारा सारा मेकअप खराब कर दिया। बहादुर शीशा निकाल। मैडम जी आपका चेहरा तो सही सलामत है, खराब तो तरबूज हुआ है। देखो अब मैं भी तो तुम्हारी तरह एक तरबूज मुंडी हूँ। अब बहादुर समझा इन्हें। चाचू मैं अंदर जाकर एंटीडोट ढूंढता हूँ, मगर इन तरबूज मुंडियों को दूर रखना होगा। ओए तू अंदर जा पतीजे, मैं इनको संभालता हूँ। पतीजे को परेशान मत करो, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो तरबूज मुंडी। मैं ज्यादा तो नहीं बोलती। छेती चल। हट पीछे। इंटरनेशनल एक्शन सिखाएंगे। चाचू अब पुलिस स्टेशन की तरफ भागना शुरू करो। ओ समझ गया भतीजे, लेकिन भागने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। ये रही। ये क्या, इंटरनेशनल डॉन पुलिस से डर कर भागते हैं क्या? ये सब सोचना छोड़ो और उसकी तरफ भागना शुरू करो। नहीं आज क्या हो रहा है, मैं भाग क्यों रहा हूँ और कितनी गर्मी हो रही है। स्टाइल की ऐसी की तैसी, जैकेट निकाल देता हूँ। अब ये जैकेट क्यों नहीं खुल रही? ओए कैसे खुलेगा, जब तक मैं अपना जैकेट नहीं निकालता ये जैकेट नहीं खोल सकता स्टाइल भाई। अब समझा, ये सारी गड़बड़ इस जैकेट की वजह से हो रही है। सॉरी जी, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। जब तुम्हें पता चलेगा मेरे जैकेट्स बदल दिए हैं तब तुम्हें मजा आएगा। अब देखो मैं तुम्हें कैसे अपने इशारों पे नचाता हूँ। Oh,
तिरुपति जय जयपति ओनो चाचू लगता है जैकेट्स एक्सचेंज हो गई है निकला भी नहीं जा रहा और उगला भी नहीं जा रहा ओए वाह भतीजे ओ तूने तो कमाल कर दिया रखो जी यो फंटोश नगर में के गड़बड़ी हो रही है तन्ने तो पता ही होगा है इस बार मुझे कुछ नहीं पता मेरा इसमें कोई हाथ नहीं पर मैंने पता लगा लिया है कि कल रात जो बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गिरी उससे निकली सोलर हाई वोल्टेज एनर्जी इन मशीन्स के अंदर फैल गई है इसीलिए ये चारों मशीन्स ऐसा बर्ताव कर रही हैं। चार मशीन वॉशिंग मशीन वैक्यूम क्लीनर और स्पीकर तो चौथा हाँ रेफ्रिजरेटर चाचे तो फिर से नाचना शुरू कर दिया है ये तो वही ठंड वाला नाच है यानी वो फ्रिज यहीं कहीं है बावड़ी बूझ भैंस की पूछ और यो फ्रिज छूट कैसे गया खोजी अंकल ये सारी मशीन सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी की वजह से चल रही हैं। तो अगर हम सूरज की किरणें इस फ्रिज तक पहुंचने ही ना दे तो ये फ्रिज रुक जाएगा हाँ भतीजे सही कहा क्या दिमाग लगाया है ओए भतीजे ओ ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे ओए कोई चटपटा आइडिया निकाल जल्दी से गरम दिमाग वाले फ्रिज मुझ पर अपने बर्फ के गोले तो बरसा के दिखाओ मैं यहाँ हूँ सारे कपड़े भीग गए अब ऑफिस के लिए फिर से तैयारी करनी होगी और चाचा क्या हाल चाल है ये आग किसने बुझा दी ये लो चाचा तुम्हारा एंटीडोट तैयार है चाचू जरा देखें तो आपके मुंह से पानी आना बंद हुआ क्या इब यो के नई मुसीबत से ओ पानी की जगह आग चाचू अपना मुंह बंद करो ओए वही तो नहीं हो रहा है भतीजे खोजी से खोजी अंकल ये क्या हो रहा है गुफो भतीजे मैंने एक्साइटमेंट में चाचा को गलत दवा पिला दी एंटीडोट तो मेरे पास ही रह गई मुझे किसी भी तरह चाचू को ये दवा पिलानी होगी अच्छा ये लो और मैं तो कहती हूँ किसी कपड़े पर यो एंटीडोट डालकर चाचे के मुंह की तरफ फेंक देते हैं। नहीं बंदूकनी जी कपड़ा जल जाएगा और एंटीडोट चाचू तक नहीं पहुँच पाएगा भतीजे जल्दी कुछ कर वरना चाचा तो फंटूश नगर को जला ही देगा Oh, my God.
पूछ भैंस की पूछ। इस बार मेरा सूट वाटरप्रूफ है चाचा, अगर पूरे समंदर का पानी भी मुझ पर बरसाए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाचू भूल गए क्या, आप अब भी ड्रैगन हो, आप उड़ सकते हो।